हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। बच्चों आज असी क्लास 10th दी जिहड़ी प्रैक्टिस शीट है, वर्कशीट है अपनी 7th ए, वो करन जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन अते इसते यौगिक। प्रश्न नंबर एक वेखो, गैस वेल्डिंग दौरान वरती जाने वाली एसिटिलीन गैस का रसायनिक सूत्र की है। बच्चे वेल्डिंग के दौरान जिहड़ी है वो इथाइन यूज़ करी जाती है, एसिटिलीन भी उसी नूं बोलते हैं। तो इथाइन, इथ का मतलब की दस्या सीगा, दो कार्बन, तो आइन का मतलब बिच ट्रिपल बोंड है। तो कार्बन की जिहड़ी वैलेंसी हुंदी है बच्चे चार है, एक कार्बन के नाल चार अगे बोंड जिहड़े है वह बन सकते हैं। तीन यह हो गए, चौथा लग गया हाइड्रोजन, इधर तीन बोंड चौथा हाइड्रोजन, मीनस सी टू तो एच टू, ई डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दो, सी एच फोर अणु विच किन्ने सह संयोजी बंधन हुंदे हन। देखिए एक कार्बन अगे किन्ने, चार ही हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो जिहड़े बोंड है, बंधन मतलब बोंड जिहड़े है वह किन्ने, सह संयोजी बंधन मतलब कोवलेंट बोंड, तो ये है अपने कोल चार, तो आंसर आएगा इसका चार। प्रश्न नंबर तीन, एन ब्यूटेन का अणवी फॉर्मूला की है। बच्चे कोई भी साढ़े कोल एलकेन है, मीन सिंगल बोंड आता है, ठीक है, उदे लई जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा है वह हुंदा है सी एन एच टू एन प्लस टू। ब्यूट का मतलब की हुंदा है, चार कार्बन, तो जदों मैं इत्थे चार पुट करिया, सी आ गया फोर, फोर टू का एट प्लस टू किन्ने बन गए अपने कोल टेन, तो सी फोर एच टेन जिहड़ा इसका आंसर आ गया। जे किसी बच्चे इदा करना मुश्किल लगता है तो आप इतों ही बनाते, एन ब्यूटेन का मतलब जो ब्यूटेन है बिल्कुल सीधे स्ट्रक्चर च बनानी है। तो चार अपने कार्बन लगाने हैं ना, देखो किवें करांगे आपां, एन ब्यूटेन करना ना, ब्यूट मतलब बच्चे चार कार्बन लगाते लाइन च, एन का मतलब सारे दे विच सिंगल बोंड है, तो हुण बाकी जिहड़ी वैलेंसी पूरी करनी हो किवें पूरी करनी है, हाइड्रोजन लगा देने, एक बोंड दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इत्थे एक कार्बन दे नाल एक बोंड है, टू थ्री फोर, तो बच्चे गिन सकते हो इदा भी तुसी, एक दो तीन चार, सी किन्ना हो गया अपने कोल फोर, एच गिनो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टेन, एच हो गया टेन, तो जिहड़ा साडा आंसर आएगा ऑप्शन च वो की आएगा, सी फोर एच टेन, ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर चार, एक किसान गोबर गैस प्लांट तो प्राप्त गैस नू बालन वजो वरतता है, गोबर गैस विचली हाइड्रोकार्बन का मुख्य अंश केड़ा है। बच्चे इसका मुख्य अंश हुंदा है मिथेन, तो मिथेन का फॉर्मूला याद रखना है कि हुंदा है सी एच फोर, सी एच फोर नू ही अपा की बोलते हैं होर मार्श गैस, मार्श का मतलब हुंदा है दलदल, वो गैस जिहड़ी दलदल वाली जगह पर प्रोड्यूस हुंदी है। कई बार बच्चे तुसी सुनिया होना कि जिमें कोई कंकाल है जिहड़ा वो जमीन चो निकल के कहिंदे उहनूं अग लगी हुई है, तो वह इधर उधर इदा भज रहा है, तो वह हुंदा की है कि जिहड़ी बॉडी है वह जमीन च दफनाई गई है, तो जदों उसका मास गल सड़ जाएगा उहदे नाल की होएगा बच्चे, दलदल वाली गैस यानी कि मिथेन प्रोड्यूस होएगी, वह मिथेन की करेगी झटके नाल उस कंकाल नूं की करेगी, बाहर कढ देगी तो उहनूं अग लग जाएगी। तो तुसी पेपर लई याद रखना है मार्श गैस मिथेन नूं कहिंदे आ, तो जिहड़ा मिथेन है उस दे विच किन्ने सह संयोजी बंधन बन रहे, कोवलेंट बोंड किन्ने बन रहे, चार। प्रश्न नंबर पांच, साडे घरां विच आम तौर पर एल पी जी बालण दे रूप विच वरती जाती है, एल पी जी विच मुख तौर पर कैड़ी गैस हुंदी है। बच्चे जिहड़े आपां रसोई घरां विच सिलेंडर यूज़ करते उहदे विच जिहड़ी गैस हुंदी है उहदा जिहड़ा मेन कंपोनेंट है वह हुंदा है ब्यूटेन, ठीक है। जे पेपर च ब्यूटेन का फॉर्मूला आ जाता है बच्चे, ब्यूट का मतलब हुंदा है चार कार्बन, ठीक है, एक दो तीन चार, एन लग्या वा है मीन सारे च सिंगल बोंड है, तो सारे सिंगल बोंड है सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है, देखो एच एच लगा दो, लगाता ये बन गया बच्चे ब्यूटेन, यदा फॉर्मूला बन गया, तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के भी पेपर च आ सकता है। प्रश्न नंबर छे, पूजा दी माता ने अंब दा अचार पाउण वेले सिरके दा भी इस्तेमाल कीता है, सिरका जिस तेजाब दा कोल हुंदा है उसका सूत्र की है। ऑप्शन देखो, एच टू एस ओ फोर, एच एन ओ थ्री, सी एच थ्री सी ओ एच, एच सी एल,
बच्चे जिहड़ा सिरका है वो एसिटिक एसिड हुंदा है, तो आंसर की आएगा CH3COOH दा फॉर्मूला है। प्रश्न नंबर 7, किस गुण कारण कार्बन बहुपान दे यौगिक बनाउंदा है? बच्चे एक तो उहदी जिहड़ी चार बॉन्ड बनाउण दी कैपेसिटी है, वी उह चार बना सकदा है, इको चेन बनाता चला जाएगा, तो उन्होंने बोलना अपने चो संयोजकता, भी चार कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है वो। दूजा हैगा लड़ी बंधन यानी कि कैटीनेशन, दूजे दे अपने वर्गे कार्बनस नाल होर अटैच होने की उहदी क्षमता। जिहड़ा आंसर है वह आएगा ईडी, उड़ा ते आड़ा दोवें। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति विच कार्बन तत् बहुत सारे वक् वक् रूपा विच पाया जाता है, हेठ लिखिया विचों केड़ा कार्बन का एक रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंटर, फुलरीन्स और उपरोक्त सारे, तो ये सारे ही जड़े है वो कार्बन का किसी ना किसी उस रूप है, सारे च कार्बन प्रेजेंट है। प्रश्न नंबर 9, मीना ने कार्बन यौगिका दे पिंगलन अंक अते उबलन अंक बारे पढ़िया है कि इन्हां यौगिका दे पिंगलन अंक अते उबलन अंक जड़े है उच्चे हुंदे हन, इसका की कारण है? ऑप्शन देखो, अणुआ विचकार कमज़ोर खिच, अणुआ विचकार प्रबल खिच, प्रबल का मतलब हुंदा ज़्यादा स्ट्रोंग इंटरैक्शन, अणुआ विचकार खिच बल ना होना या उपरोक्त विचों कोई नहीं, जिसका भी बच्चे पिंगलन अंक ते उबलन अंक मीनस मेल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट हाई हुंदे है, उहदे जिहड़े अणु हुंदे है उहनां दे विचकार दा जिहड़ा फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रोंग हुंदा है, अणुआ विचकार प्रबल खिच बल उहनां दे हाई मेल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट का कारण है। प्रश्न नंबर 10, दीपिका दे पिता जी ने उसनू दस्या कि बनस्पति घ्यो नू बनस्पति तेल नाल तैयार किया जाता है, बनस्पति तेल नू बनस्पति घ्यो विच बदलन दी किरिया नू की कहिंदे हन? इसनू कहिंदे आ बच्चे हाइड्रोजीकरण, हाइड्रोजीनेशन जिहनू तुसीं बोलदे हो, ठीक है, हाइड्रोजीकरण इहदा आंसर है। हाँ जी बच्चे, असीं नैक्सट पेज ते आ गए 7B ते, वर्कशीट नंबर 7B, 7A हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 11 वेखो, दो पदार्थ पी अते क्यू प्रतिक्रिया करके एक मिठा सुगंधित पदार्थ आर पैदा करते हैं, हेठ दित्या विचों केड़ी प्रतिक्रिया इस बारे सही है? तो इन्होंने दिता हुआ बच्चे जोड़ात्मक जिहड़ा पी की क्रिया का नाम दिता है ना, इन्होंने इधर पी दिता है एल्डिहाइड, तो इधर क्यू दिता है अभिकारक कीटोन, इदा ही नैक्सट दिता है निर्जलीकरण एलकोहल प्लस एल्डिहाइड, नैक्सट साबणीकरण एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्ट्रीकरण कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। बच्चे जेडे एस्ट्रीकरण है इस दे विच की हुंदा है फ्रूट लाइक जेडी स्मेल है वो प्रोड्यूस हुंदी है, बहुत अच्छी अच्छी स्मेल्स प्रोड्यूस हुंदी है किस च एस्ट्रीकरण च, एस्टर बनते हैं, तो ये तुसी ध्यान रखना है किवें बनते हैं, कार्बोक्सिलिक तेजाब प्लस एल्कोहल दे मेल नाल। प्रश्न नंबर 12, सुदेश ने अखबार दे सेहत कॉलम विच पढ़िया कि कुछ बनस्पति तेल सेहत नूं चंगा करन वाले हन अते कुछ सेहत लई हानिकारक हुंदे हन, भोजन पकाउण लई किस प्रकार दे तेल दा उपयोग करना चाहिदा है? बच्चे भोजन पकाउण लई सानू हमेशा असंतृप्त फैट एसिड वाले तेल दा उपयोग करना चाहिदा है, ठीक है। नैक्सट प्रश्न है, हुण तक जाने जाते पदार्थों विचों सब तो सख्त पदार्थ कौन है? ग्रेफाइट, लोहा, तांबा, हीरा। बच्चे हीरा जिहड़ा है एक तो तुसी याद रखना है कि जिहड़ा हीरा है वह बिजली का कुचालक है, इंसुलेटर है, इस दे विचों बिजली पास नहीं होंदी। सैकेंड चीज़ याद रखनी है कि यह सब तो हार्ड है, सब तो ज़्यादा ठोस सख्त पदार्थ कौन है? वह हीरा है। प्रश्न नंबर 14, कार्बन विच कार्बन दे ही होर परमाणुओं नाल बंधन बना के लंबी लड़ी वाले अणु बनाउण दी अनोखी समर्था है, इस समर्था नूं की कहिंदे हन? इस नूं बोलदे बच्चे कैटीनेशन मीनस लड़ी बंधन, जिहड़ा अगे ते कार्बन 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 जुड़दा जांदा है उसनूं आपां ने नाम देना है लड़ी बंधन दा। प्रश्न नंबर 15 देखो, कार्बन अपने जां दूजे तत्ता जिवें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अते क्लोरीन नाल आम तौर पर किस तरह के बंधन बनाते हैं? आयनी, सह संयोजी, उड़ा ते आड़ा दोवें या उपरोक्त विचों कोई नहीं? सह संयोजी बंधन बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जड़े है आ बनाते हैं। प्रश्न नंबर 16, केड़े हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली लाट देंदे हन? बच्चे याद रखियो जिहड़े असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह काले धुएं वाली पीली लाट देंदे हैं,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲੀ ਪੀਲੀ ਲਾਟ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਾਟ ਦੇਣਗੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਐਲਕੇਨ ਅਲਕੀਨ ਐਲਕਾਈਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਕੇਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਡਬਲ ਨਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਊੜਾ ਐਲਕੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਾਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲੀ ਪੀਲੀ ਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘਿਓ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਸਮੇਂ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਠੋਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਠੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਠੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੱਗ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸਾਡੀ 7th ਵੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ